अभी तो मैं एक आदमी हूँ, तुम मुझे जेल में डालो मैं क्रांति बनूंगा, और मेरी हत्या कर दो मैं विचार बनूंगा। ये तो आपके डीएम साहब यहाँ आए थे, डीएम साहब कह के गए थे कि महाराज शांत रहना, इसलिए हमने एक भी बयान नहीं दिया साथ, इसलिए हमने, और ये विधायक था अजीतपाल त्यागी, पूछो उससे, नंदकिशोर गुर्जर ये कहने आए थे कि मुख्यमंत्री जी का निवेदन है कि आप स्वामी जी शांत रहिए, वरना जिस दिन यहाँ पे हमारे साधु का कत्ल, साधु का हमला हुआ था ना, 22 पुलिस वाले सो रहे थे यहाँ पे, 22 पुलिस वाले सो रहे थे, इन्होंने मंदिर में आज तक 8 डकैती 25 साल में पड़ी है, 8 डकैती 25 साल में पड़ी है, पुलिस वाले एक डकैती का बताएं, एक डकैती जो उन्होंने खोली हो, एक डकैती में अपराधी पकड़े गए हो, और मैं अगर बोल रहा हूं, केवल बोल रहा हूं, तो ये कह रहे गुंडा एक्ट लगेगा, मरने के लिए तैयार हूं, जेल जाने के लिए तैयार हूं, गुंडा एक्ट लगा दो अगर एक दिन भी यहां से उठा पाओ। और सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, और आप जाके बताइए डीएम साहब को, और आप भेजिए रिपोर्ट योगी जी को, यहाँ एलआईयू वाले है भैया नहीं है, उनसे कहिए परीक्षा भेजिए योगी जी को, योगी जी जब यहाँ स्टेशन पे उतरे थे ना, पुलिस ने धक्के देकर उतारा था योगी जी को, तब मैं लड़ने के लिए पहुंचा था, बीजेपी के सारे नेता थे, योगी जी से कह रहे थे योगी जी हटो यहाँ पे, और जब मैं पहुंचा तब वहां पे योगी जी का बैठ, जब पुलिस हटी है वहां से, और नितिन तिवारी ने मुझको उसका मुकदमा दर्ज करवाया था एसएसपी ने, योगी जी भूल गए क्या इस बात को, अकेले में मुकदमा दर्ज हुआ था, आज भी फाइलें पड़ी होंगी, योगी जी को वहां पुलिस ने पकड़ने का प्रयास करा था, हमने यहाँ पे रेल रोकी थी, क्या सम्मान एक योगी जी के रह जाएगा, ये तो चुनावी माहौल था, और मैं चाहता नहीं कि योगी जी को मेरी वजह से नुकसान हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि सम्मान केवल एक योगी जी का होगा, बाकी सब अपमानित हो गए, और दो दो गाड़ी के तुम लोगों ने एक एक टेस्ट पास कर लिए, तुम लोग सबसे बड़े हो गए, हम टेस्ट पास करते तुमसे ज्यादा नंबर, हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड देखो, और कोई ज्ञापन नहीं देना, कोई भिखारी छोड़ी हुई ज्ञापन देने जाऊंगा, लड़ने के लिए मरने के लिए अपने घर से निकला हूं, पिंड दान करके सन्यासी बनाऊ, और ये मोहंगे मुर्दा हिंदू, बाकी मैं जीवित हिंदू हूं, मरने के लिए घर से निकला हूं, बलिदान देके जाऊंगा, मुसलमानों की गोलियों से मरूंगा, जिहादियों से लड़ता हुआ, और इस सिस्टम को मानता नहीं हूं, कुछ भी कुछ नहीं मानता हूं, केवल इतना ही मेरा मैसेज है आप लोगों के लिए, नहीं हुई इन अधिकारियों पर कार्रवाई तो फिर योगी जी जाने, चुनाव केवल इसलिए चुप हूं कि क्योंकि आप लोगों में दम नहीं था उसे जेल में भेजने का, और किन किस ऐसे बना ये भी हमें पता है, मंदिर में एक बार पहले भी एक संत पे हमला हुआ था, उस बारे में प्रशासन क्या कार्रवाई कर, देखिए प्रशासन ने उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की, 22 कांस्टेबल 22 पुलिस के लोग यहाँ पे थे, इसमें दरोगा भी थे, हेड कांस्टेबल थे, कांस्टेबल भी थे, कोई कार्रवाई किसी तरह की नहीं हुई है, हमने सीसीटीवी के फुटेज इन पुलिस वालों को दी थी, पुलिस वाले केवल झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने अखबार में बयान दिया कि सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, जबकि हमने तो खुद उन्हें सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिलवाई थी, तो पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, पुलिस केवल मेरी हत्या का इंतजार कर रही है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ तलाशी के दौरान एक युवक के पास चाकू बरामद हुआ था, उस पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है? प्रशासन ने उस बच्चे को जेल भेज दिया, निर्दोष बच्चा था वो, उसके पास फ्लिपकार्ट से डिलीवरी हुआ चाकू था, जो फ्लिपकार्ट से 150 रुपये में जो चाकू मिलता है ना, वो डिलीवरी होम डिलीवरी देखे देते, वो चाकू था उस बेचारे के पास, उसने खुद पुलिस वालों को दिया था कि भाई चाकू रख लो, मैं जाता हुआ इसे ले जाऊंगा, ये मैंने अपनी रक्षा के लिए कुछ वैसे रख रखा, कुछ उसकी वजह होगी कोई भी, तो वो ऐसा चाकू नहीं था जिस पर कोई मुकदमा बनता है, फ्लिपकार्ट से जिस चीज़ को फ्लिपकार्ट घर पर डिलीवरी देती हो उस पर मुकदमा कैसे बन सकता है? फ्लिपकार्ट का वो बिल भी है, हम उसे कोर्ट में भी पेश करेंगे, वो बच्चा बिल्कुल निर्दोष था, ये पुलिस गाजियाबाद की पुलिस इस मंदिर को उजाड़ने पर आई हुई है, यहाँ के जो अक्षम और निकम्मे अधिकारी है ना और भ्रष्ट, वो इस मंदिर को उजाड़ने के लिए आए हुए हैं, वो चाहते हैं कि पहले हम यहाँ कमजोर पड़े, उसके बाद फिर वो हमारा चरित्र हनन करें, फिर इस्लाम के जिहादियों से हमारी हत्या करवाएं, ये पुलिस अधिकारी षड्यंत्र में संलिप्त है।